अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल फूड जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बनाएंगे आम पापड़ की मिठाई के रोल। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं आम पापड़, ये मेरे होममेड हैं। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 50 ग्राम खोआ, 1 टीस्पून बादाम छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 2 टीस्पून काजू छोटे टुकड़ों में कटे, 1.5 टीस्पून चिरौंजी, 1 टीस्पून पिस्ते बारीक कटे हुए, 4 टीस्पून चीनी पिसी हुई, 4 इलायची के दाने बारीक कुटे हुए। अब सबसे पहले खोए को थोड़ा सा भून लेंगे हल्की गैस पर। ये हो गया है, अब इसको निकाल देंगे। और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो गया है, अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बादाम, काजू, चिरौंजी, पिस्ते, थोड़े से पिस्ते हम गार्निश के लिए रखेंगे, और इलायची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसके रोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेके इस तरह से हाथों से रोल करेंगे और इनको इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से बाकियों को भी तैयार कर लेंगे। कि हमारे आम पापड़ रोल की मिठाई तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।